लूसी लियू, टेलर है ज्यादा इनको देख के लॉन्डो के, खैर छोड़। तो दोस्तों सैन डिएगो कॉमिक कॉन के बाद माल की संख्या कुछ इस प्रकार बढ़ी है, दिमाग फट चुका है, सोच सोचिए कि आगे किस पे बनाऊं। खैर हम थेरे नर्ड, एक सुपर हीरो के जबरा वाले फैन, तो सब पे बात करेंगे पर एक एक करके। सजाम वही अपने फनी ह्यूमरस टोन को लेके आगे बढ़ती है, बिली के दुख दर्द को दिखाती है, वो कैसे अपने सुपर हीरो की फैमिली को यूनाइट करना चाहता है, एक साथ लोगों की मदद करना चाहता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है, और साथ ही साथ बैटमैन, एक्वामैन और फ्लैश के सिंडर्सवर्स को दिखा के दिल को ठंडक पहुंचाई वार्नर ब्रदर्स ने। खैर बिली को से भी दिक्कत है क्योंकि वो डरता है इनसे कि इन जैसे बैडएस चार्मिंग सुपर हीरो के सामने उस जैसे सुपर हीरो की किसी को क्या जरूरत जो कि कोई लायक ही नहीं, जो कि अपने टीम को यूनाइट नहीं कर सकता है। बाकी ट्रेलर में डॉटर ऑफ एटलस दुनिया को तबाह करती हुई नजर आती हैं क्योंकि उनका कहना है कि बच्चों ने भगवान की ताकतें चुराई, गॉड्स की पावर को चुराया है, तो अब इनकी सजा हम दुनिया को देंगे उसके एल लगा के। और इसी सब कांडों के बीचों बीच कैलिप्सो दिखाई जाती है ग्राउंड में, यानी कि हमारी लूसी लियू जो कि वही स्टाफ पकड़ी हुई है जो कि सजाम मन में विजार्ड के पास है, और उससे वो कुछ दरिंदे खतरनाक मॉन्स्टर्स पेड़ों को छोड़ती है जो कि जमीन को अंदर से फाड़ रहे होते हैं, और कुछ सुंदर सुंदर पर खतरनाक ड्रैगन्स को छोड़ती है जो कि दुनिया को तबाह करेंगे और ये सब बनेंगे हमारे नाश का कारण, पर धोखे में मत पड़ना। ट्रेलर के बहुत से सीन क्लाइमेक्स टाइप के लग रहे हैं लेकिन वो है नहीं, ये हमारा चुतिया काटा जा रहा है। जितना हल्का और सस्ता देखने में लग रहा है ना, इतना है नहीं, इनका इरादा कुछ ज्यादा ही बड़ा है जो कि यहाँ पे रिवील नहीं किया गया अभी तक, क्योंकि जायज है ब्लैक एडम नहीं आई है, उसके पहले कुछ ज्यादा टीज कर देने पे ब्लैक एडम के लिए भी स्पॉइलर हो सकता है, तो इसीलिए इसकी मार्केटिंग कुछ अलग तरीके से की जा रही है जो कि मस्त है दोस्त। अगर लास्ट मूवी से कंपेयर की जाए तो इसका जो ट्रेलर देख के फील आ रहा है, एक्शन का स्केल बढ़ा हुआ है, ग्राफिक्स का स्केल बढ़ा हुआ है, स्टोरी और ज्यादा एलोब्रोट हुई है, पिछले वर्ष पावर्स मिले और कुछ छोटे मोटे विलन से हमारे हीरोज लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे लड़ाई डायरेक्ट गॉड्स से है और भाई क्रेजी, मतलब ट्रेलर देख के मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। साथ ही साइड में पारिवारिक समस्या, प्यार मोहब्बत, उनको साइड में मैनेज करना, फास्ट एंड फ्यूरियस का सिंबॉलिक तरीका से यूज करना फैमिली को दर्शाते हुए, बच्चों की बकचोदी दिखाना, डीसी के एक डार्क वर्ल्ड में एक चार्मिंग टोन भर देना, ये देखे भाई एकदम दिल बाग बाग हो जाता है। मैं जानता हूं बच्चों की बकचोदी दिखाएंगे क्योंकि वो 15-16 साल के लौंडे हैं, बच्चे हैं जो कि बकचोदी करेंगे, हम भी वही करते थे। खैर बात लाइक मैं अभी भी वही करता हूं। और साथ ही साथ उड़ते उड़ते खबर आ रही है कि हमारी डायना यानी कि वंडर वुमेन भी इस पिक्चर में होने वाली हैं, और ये रीजनेबल भी है क्योंकि माइथोलॉजी में जबरदस्त भयंकर वाला कनेक्शन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। देखो इस पिक्चर ज्यादा एक्सपेक्टेशन भी रखना है, मतलब मैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत रखा हूं क्योंकि ये बच्चों के हिसाब से दिखाती है कहानी, बच्चों की बकचोदी दिखाती है, बच्चे किस तरह से एक्ट करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में, उसको थोड़ा ह्यूमरस फनी वे में दिखाती है, डीसी के एक डार्क वर्ल्ड में एक चार्मिंग टोन भरती है, आपको हंसाती है, एंजॉय करवाती है, फुल मसाला एंटरटेनर। मैंने इसका पार्ट देखा था, मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी पिक्चर क्योंकि वो अपने टेक को लेके जानती है, वो क्या दिखा रही है, क्यों दिखा रही है, कैसा दिखाना चाहती है, वो सारी चीजें इनके लिए क्लियर रहती हैं जो कि मुझे देख के मजा आता है। बाकी ट्रेलर से जो छोटी मोटी बातें छूट गई होंगी उसके लिए माफी, इससे और भी अभी और भी इस पे बातें होंगी जैसे कि डॉटर ऑफ एटलस क्या है, इन सारी चीजों पे हम शॉर्ट्स वाले चैनल पे बात करेंगे जिसका नाम है दी अनफिल्टर्ड एफबीआई, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वहां पे जाकर कर सकते हो। और अगर वीडियो यहां तक देख रहे हो, अगर देख रहे हो तो भाई लव यू मैन, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब के बिना जाना मत। सजाम फ्यूरी ऑफ गॉड पे तुम्हारे क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताना कि मैं भी जानूं कि हमारे व्यूअर यानी कि हमारे दोस्त, हमारे नर्ड कम्युनिटी के मेंबर ऐसा फील करे इसका ट्रेलर देखने के बाद, क्योंकि मुझे तो भाई धांसू लगी। अगर इसका रिएक्शन मैं रिकॉर्ड कर रहा था आप भी बोलते यार क्या रिएक्शन दिया, भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं क्योंकि देखो अभी ब्लैक एडम आ रही है, उसका ये भी ब्लैक एडम एक डार्क टोन को पकड़ के चलेगी और ये एक फनी ह्यूमरस चार्मिंग टोन को पकड़ के चलेगी जो कि किल कर देगा एकदम थिएटर्स को। और सजाम मन का थिएटर का मुझे नहीं पता कैसा हुआ क्योंकि मैंने घर पर, लेकिन मुझे मजा दी थी। बाकी अपने ओपिनियन कमेंट करो, और वकांडा फॉरएवर और सी हल्क का ट्रेलर का रिएक्शन देखना, तो ये रहा वीडियो, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।